नमस्कार एरिज, एरिज यानी मेष राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती प्लीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर महीने के एंड और ईयर के एंड की ये रीडिंग होगी, 2023 के एंड की ये रीडिंग होगी और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम एरिज और उनके पर्सन दोनों राशियों की पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे, एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एरिज जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आइए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉर्ड्स, तो एरिज जो आपके पर्सन है वो महसूस करते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, इन एंड आउट की स्थिति है। रिश्ता में आप आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं। तो आप इसमें स्टेबल हों, इकरार करें और कमिटमेंट वगैरह करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर वो अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो खुद स्टेबल होना चाहते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रेडी होना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में, मतलब जो आपके पर्सन है उसके बारे में भी ऐसा वो सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिज जो आपके पर्सन है वो फील आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, उनको चाहिए कि वो इस रिश्ते का हल सॉल्यूशन ढूंढे, इस रिश्ते को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और क्योंकि जो इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है उसको वो ख़त्म करें इन और इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं, परिवार के एक, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएं ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके, एक फैमिली एक परिवार बन सके। अगर इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह होती है और शादी वगैरह की जाती है, शादी का इकरार होता है कि आगे फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार होगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो ऐसा आप उनके लिए सोच रहे हैं या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखते हैं एरिज आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। द हायरोफंट, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए या फिर किसी सुपीरियर की, इसमें किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए जो इस रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं, या फिर वो अगर चाहें तो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है तो उधर भी वो जा सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो है एरिज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफंट को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड टेम्परेंस। तो आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरा है और काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम, रातों की नींद हराम हुई है इस रिश्ते में। तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन को चाहिए कि वो थोड़ा सा रेस्ट ले, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ें। और जब उनको लगे कि वो उठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो इस रिश्ते में उठें, चलें और इस रिश्ते में जो उनका लड़ने का स्वभाव है,
जिससे इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं, तो उस टेम्पर को, उस एंगर को, उस गुस्से को वो ख़त्म करें और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ें, प्यार से, प्रेम से उनसे पेश आएं। और इस रिश्ते में जो भी उनके पर्सनल काम हैं, यानी कि जो इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में दरार डाल सकते हैं, अपने अपने मतलब उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे सकती हैं, अपने काम को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जॉब बिजनेस को, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में, इस रिलेशन में इफ़ेक्ट डालती हैं, उन चीज़ों को दूर रखें। और वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा दूर रहें और ना ही बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, क्योंकि दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो बैलेंस बना कर रखें, स्टेबिलिटी बनाएं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आए, तो जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। और इसका, इसमें एक दूसरे, अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है ये रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा आप अपने जो है पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो टॉरस एरिस हैं उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। देखते हैं कि एरिस आपके बारे में आपसे क्या चाहते हैं, एरिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सॉरी गाइस, एरिस के पर्सन एरिस से क्या चाहते हैं। तो एरिस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो अननोन फियर है, जो सपने आप देख देख कर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, जो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता नेगेटिव हो गया है, इस ये रिश्ता पनौती भरा है, कोई इस रिश्ते में परेशानी है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब तक आप इस अननोन फियर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी, पनौती आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। तो इस और आप बार बार लग रहा है कि आप उन पर विश्वास, आपके पर्सन आप पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आपसे छिपाया जा रहा है, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकले, सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, पार्क में जाएं, पार्टीज में जाएं, ऐसे लोगों के बीच में जाएं जहां आपको पॉजिटिविटी मिले, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करें, तभी इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, इस पनौती से आप बाहर निकल सकते हैं, बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, खुलकर आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा आप के पर्सन आपसे चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो चाहते हैं, उन चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्लैरिटी क्लियर करना चाहते हैं उन चीज़ों को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और इस ये रिश्ता, इस रिश्ते में कितना एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम है, कितना आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना खुशहाली रिश्ता हो सकता है। तो आप इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, परिवार फैमिली के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, पैशन और जुनून के साथ इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। और इसमें, इसके लिए आप इतना हर्ष ना हो, हार्ड ना हो, इसमें आप एक डिसाइड करें, फैसला करें कि आपको इस रिश्ते में आगे ही बढ़ना है। अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली देखते हैं कि ये रिश्ता, आप इनके साथ कितना अटैचमेंट फील करते हैं, कितना ये रिश्ता कितना पॉजिटिव हो सकता है, पैशन के साथ, जुनून के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता कितना पैशनेट हो सकता है, तो उस उन चीज़ों को आप देखें, इसकी नेगेटिविटी को ना देखें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं। इस सोच सोच कर जो रिश्ता भारी भरकम बनाया हुआ है,
जो आप उल्टा सीधा सोच रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलें और इसमें समय रहते डिसीजन लें ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, फिर से एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं या फिर जो है जो उनके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और आगे बढ़ें। देखते हैं एरीज आप क्या चाहते हैं, एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, एक नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आप एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं अपने पर्सन से, क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड एट ऑफ सोर्ड्स। तो सॉरी का सॉरी गाइस, इसमें पैर में नस पे नस चढ़ गई, बाट आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पैर में काफी दर्द है, कोई बात नहीं। तो एरिज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, इस रिश्ते को जो भारी भरकम बनाया हुआ सोच सोच कर, या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, वो आंखों से पट्टियाँ खोलें, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और बजाय के ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस करने के, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे से खुल कर बातें करते हैं तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो हट जाएगी, दुख के बादल छट जाएंगे और ये रिश्ता जो या तो ये बन नहीं रहा है, तो इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, या उसे कंप्लीट कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो उन पुरानी चीज़ों को, उस रिश्ते को बिल्कुल ही, उन बातों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें कि उनके साथ उनका कोई रिश्ता भी था। तो इसमें एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करें, मतलब शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, शुरुआत करें दोबारा से इस रिश्ते की, और इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, फैमिली का सपोर्ट लें ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियां आ सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके, एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता हो सके। और अगर आप इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलना चाहते तो इस रिश्ते में अगर आप डाइवोर्स ही चाहते हैं तो आप इसमें डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो दोनों केसेस में, ये कुछ केसेस में हो सकता है कि वो डाइवोर्स चाहते हैं और ऑलमोस्ट वो एक फैमिली एक परिवार वो चाहते हैं कि एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता बने और ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ कप्स, एक इमैच्योर एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ एक अच्छी बिगनिंग अच्छी शुरुआत होने जा रही है इस रिश्ते में, हो सकती है अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में देखने को मिल सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि
इस रिश्ते में सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, अगर आप उन पर फोकस कर लेते हैं तो और इस रिश्ते में बैलेंस लाते हैं। जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग रही है, ओवर कंट्रोल रहा है, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को भारी भरकम बोझिल बनाया गया है, उस इसमें कोई अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी, तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। उन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं खत्म नहीं हो जाती और इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, आप एक दूसरे को समझिए। एक जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल की वजह से नहीं बन पा रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या फिर घर का कोई मेंबर हो सकता है या कोई पड़ोसी हो सकता है, या फिर सोच सोच कर जो कोई जॉब, बिजनेस, करियर भी हो सकता है, जगह सिचुएशन भी हो सकती है, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, अलविदा कर देंगे, तो जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो उसमें बैलेंस आएगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, फिर से एक ये रिश्ते में एक अच्छी, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। भले ही ये बिगनिंग अभी छोटी सी बिगनिंग हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप अपने पहले खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, तो अगर जब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल होगा और बराबर होगा। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए और उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से अगर आप इस रिश्ते को इक्वल मानेंगे तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जो खुशहाली नहीं आ रही थी, वो आएगी। और हो सके तो गरीबों को दान दक्षिणा जरूर कीजिए, क्योंकि दान हमेशा फलता फूलता है, उसके बदले दुआएं मिलती हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसकी देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर सामने वाला जल्दबाजी कर रहा है या आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो वो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा फायदे की जगह नुकसान होता है। पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए इस रिश्ते के लिए, जो जो है आमने सामने क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन जब तक इसमें चाहे उसके लिए आपको रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अगर सख्ताई के साथ आप इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो जो सच है वो बाहर आएगा, जो ट्रूथ है वो बाहर आएगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, पेशेंस के साथ, बिना जल्दबाजी के सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी काफ़ी, और नेम और फेम मिलेगा। तो आपको पहले क्लैरिटी लानी है, रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, तो चाहे इसके लिए आपको थोड़ा सा सख्त रवैया क्यों ना अपनाना पड़े, क्योंकि तभी इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन नहीं तो इस रिश्ते में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। बिना सोचे समझे जब तक बैलेंस नहीं आ जाता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल बराबर नहीं हो जाता और उन चीज़ों को नहीं छोड़ देते जो बाधाएं प्रणोतियाँ दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या कोई घर का मेंबर या कोई रिश्तेदार जो इस रिश्ते को खराब बर्बाद कर रहा है, या जॉब, बिजनेस की वजह से है, या पैसे की वजह से है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, उन चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी लानी है। तभी सच्चाई के साथ आपको दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना है।
तभी इसमें बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। जो इसमें इकरार नहीं किया जा रहा है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा है, उसको लाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।